बुधवार के दिन कर लें यह 5 उपाय, झट मिल जाएगी आर्थिक समस्या से निजात। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उस देवता की विशेष पूजा होती है, जैसे कि सोमवार को शंकर जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, गुरुवार को विष्णु जी, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की, शनिवार को न्याय के देवता शनिदेव की और रविवार को सूर्य देव की पूजा होती है। उसी तरह से बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी, लोध गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी, ज्ञानेश जी को बुद्धि और वाक्पटुता का कारक माना जाता है। कहते हैं जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां माता लक्ष्मी का जरूर वास होता है। गणेश भगवान लोध गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। इनके साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। गणेश जी ज्ञानेश जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी सभी परेशानियाँ दूर होती हैं। अगर आप भी आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो बुधवार को कुछ उपाय कर लें, आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। बुधवार के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करके उन्हें लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद उस मोदक को धन रखने के स्थान या तिजोरी के पास दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, हरी पोटली में धन रखें, खाने में हरी सब्जियों को शामिल करें जिससे शरीर रोग मुक्त होता है। मान्यता है कि हरी वस्तुओं के उपयोग से बुधवार ग्रह मजबूत होता है। आर्थिक दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए बुधवार को पंचमुखी रुद्राक्ष, 7 साबुत मूंग, थोड़ा सा लगभग 10 ग्राम साबुत धनिया लेकर पर्स में रखें। इस उपाय को करने के लिए अगर रुद्राक्ष न उपलब्ध हो तो उसके स्थान पर हल्दी की गांठ रखें। कहा जाता है कि यही भी धन संबंधी समस्या को दूर करने का अचूक उपाय है। बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करके उन्हें 21 या 42 जावित्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आर्थिक दिक्कतें कभी छू भी नहीं पाएंगी। बुधवार को सुबह उठकर माता लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें पुष्पकमल अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। यह उपाय नियमित 21 दिन तक करने से लाभ मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगती है।